नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्या चाहते हैं, किस तरह का पार्षद आपके वार्ड में होना चाहिए? हम यही चाहते हैं, आसिफ भाई होना चाहिए हमारे का पार्षद। राजधानी भोपाल के वार्ड क्रमांक 44 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आसिफ अकील को अपना पार्षद चुनाव से ही पहले मान लिया है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 44 की महिला अपने वार्ड की समस्या लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आसिफ अकील के पास पहुंच रही है। वही प्रत्याशी आसिफ अकील द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण भी कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हम अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे वार्ड का पार्षद आसिफ अकील ही बने, क्योंकि वो हमेशा से ही हमारे बीच में रहे हैं, हमारी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण कराते हुए एक अच्छे नेता का प्रमाण दिया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पार्षद बनके वे हमारे वार्ड का विकास करेंगे। आसिफ अकील ने भी अपने वार्ड की जनता को भरोसा दिलाया है कि जो उम्मीदें वार्ड के लोगों ने मुझसे लगाई, पार्षद बनने के बाद मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा और इस वार्ड का विकास कराऊंगा। तो ये मकान कौन दे रहा है, किसकी सरकार? बीजेपी का पार्षद आएगा तो वही मकान देगा, वही रहेगा। अगर आपने कांग्रेस को या निर्दलीय को किसी को दिया, वो जब तक आपकी बात पहुँचाएंगे नहीं, तो समझते आज जो है माननीय मंत्री जी विश्वास तारक जी कर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यही आप जो आपके मकान है शिवराज सिंह चौहान का भी आपने पर्दों का वाचन बना हो, शिवराज जी ने क्या बोला? तो ये जो जहाँ से मकान जहाँ टूटेंगे नहीं मिलेंगे। अपने पार्षद बाबू भाई ने मगर उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। जो भी काम बचे हैं और जितने भी काम है वो सब जद्दो क्वार्टर का ये है, जहाँ शिवराज जी ने बोला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चुनावी बिगुल बजते ही राजधानी भोपाल में एक घमासान सा मच चुका है। जहाँ बता दें कि हर प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में वार्ड की जनता के बीच में जाके जनसंपर्क कार्य कर रहे हैं। वहीं लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है वो चलिए हम जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 40 में। अभी कुछ महिलाएँ हमारे साथ में हैं, चलिए उनसे जानते हैं उनके वार्ड में क्या समस्याएँ रही हैं और किस तरह का पार्षद उम्मीदवार आप अपने वार्ड में देखना चाहते हैं। ये सबसे पहले इन महिला हमारे साथ मौजूद, क्या नाम बताइए आप? हमारा रुखसाना खान है। रुखसाना जी, क्या आपके वार्ड में समस्याएं रही हैं? आप अपने वार्ड में किसको पार्षद के रूप में? पहले बिजली की परेशानी थी तो बिजली की परेशानी दूर हो गई। अब है ना, क्या कहते हैं ये मकानों की है, मकानों का कहते हैं कि तोड़ने हर वक्त आ जाते हैं, नोटिस भेजा देते हैं कि भैया तोड़ना है। अब क्या करें, मगर सामने वाले कहने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हम क्या करें, आप कलेक्टर ऑफिस जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सब जगह परेशान होते हैं पूरी महिलाओं के साथ। अब अपन का वार्ड नंबर यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, अब किस तरह के पार्षद को अपने वार्ड में? आसिफ भाई को इंशाल्लाह टिकट मिला है, अल्लाह पाक उनको कामयाब बनाए और हमारे पूरे मकसद को अल्लाह पिया ये सब को दुआ। आप क्या चाहते हैं? आसिफ अकील जो है वो जिताए अल्लाह पाक उनको सबको। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे क्वार्टर है वो टूटने का, और हम चाहते हैं हमारे क्वार्टर टूटे तो हमें वहीं पर हमारे मकान मिलना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको? हाँ। आपके वार्ड के ना चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पे कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, आप कुछ भाई? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे आसिफ भाई है इंशाल्लाह वो जीते और उनको कामयाब करें और वो हमारे क्वार्टरों की वो करें। जी, हमारा नाम अमरीन खान है और हम लोग के क्वार्टरों की तमन्नाएं पूरी करें, ऐसे यही सब कमरा गंदगी सब यह सब हटे, कमरे मकान यही सब मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई कमाई सब यही है, हमारी रोजी रोटी यही है, हम गरीब इंसान हैं कहाँ जाएं। नोटिस बार बार दे चुके हैं तो हम मकान के बदले मकान चाहते हैं और आसिफ भाई से वही है निमंत्रण, तो हमें मकान के बदले मकान दिलाया जाए और ये सपना पूरा करेंगे आसिफ भाई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब नालियाँ साफ हों, रोड साफ हो। आपके पार्षद किस तरह का होना चाहिए? बस काम वाले होना चाहिए जो काम कर सके। हाँ, काम कर सके। आप बताओ। नालियों साफ होना चाहिए, लाइटों का बिल इतना आता है, नलों का बिल इतना आता है। आपके वार्ड में
चुनाव चल रहे हैं, आप किस तरह का पार्षद प्रत्याशी चाहते हैं? आसिफ भाई हूँ। क्या लगता है आसिफ भाई आप जीतेंगे? आप लोगों ने विजय बनाया, आसिफ भाई जीतेंगे ना? जीतेंगे। आप क्या चाहते हैं? हमें तो यही चाहते हैं कि हमारे को मकान मिल जाए, सरकार हमें मकान दे रहे। सिलेंडर कितनी महंगी हो, गरीब कैसे करेगा, बच्चे कैसे पाले, हमारे तो साथ में आदमी भी नहीं है, हम घर कैसे चलाए। अब आप पार्षद किस तरह का चाहते हैं अपने वार्ड के लिए? किस तरह के बस हमारा तो ये काम करते हैं, सरकार हमें रहने को दो जगह कमरे की मिल जाए और हम महंगाई थोड़ी सही हो जाए, सस्ती हो। वार्ड की जनता ने साफ तौर पर बता दिया है उनका पार्षद किस तरह होना चाहिए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक बार आसिफ अकील के ऊपर अपना भरोसा जताया है वार्ड क्रमांक 40 के अंदर, चलिए अभी हमारे आसिफ अकील भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, अब वार्ड की जनता को भी उनके ऊपर विश्वास है। अगर आसिफ अकील यहाँ पे पार्षद बन के आते हैं तो जनता उनसे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी है, क्या इनकी उम्मीदों पर आसिफ अकील जी खड़े उतर पाएंगे? चलिए आसिफ अकील जी से जानते हैं। चलिए आसिफ अकील जी जानते हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, अब कहीं ना कहीं वार्ड की जनता का ये भरोसा उनके ऊपर बनता जा रहा है। वार्ड की जनता जिस तरह लगातार मांग कर रही है कि अब आसिफ अकील को ही हमें अपने पार्षद के रूप में देखना है। आसिफ जी स्वागत है हमारे चैनल के न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। आसिफ जी आपको भी इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भरोसा जताया है, एक बार फिर से अब आप इस भरोसे किस तरह का? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो समस्याएं इनकी समस्याएं हैं वो लेके आ रहे हैं कि भाई इधर वार्ड नंबर 40 में जनता क्वार्टर हैं, वो जर्जर हालत में हैं, वो टूटने की कई मरतबा बात हो गई है। कहीं ना कहीं कहूँ तो अब वार्ड की जनता आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा जता रही है, आप अभी प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, वार्ड की जनता अभी से आपके पास समस्या लेके आ रही है, तो आपको क्या लगता है? यानी बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, जो जनता समर्थन लेके भी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आएगा जो इनकी समस्याएं वो हल करेगा। माननीय शिवराज सिंह जी ने बोला है जहां मकान है वहीं के वहीं मिलेंगे इनको, सब चीज़ें मिलेंगी, सारी सुविधाएँ जो वंचित हैं उनको मिलेंगी, ये अगर जताएंगे तो बिल्कुल। जैसे अगर वार्ड की जनता आपको पार्षद के रूप में अभी से देख रही है, आप वार्ड में पार्षद के रूप में अगर उभर के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अपने वार्ड में कार्यों को लेकर? मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो जन समस्याएं जिन बाग उमराव दूल्हा की, जनता क्वार्टर की, अहमद अली जनता क्वार्टर की समस्या ये है कि वहाँ के मकान, कि वहाँ के मकान वहाँ के टूट के उन्हीं लोगों को मिले तो उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। अब आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से आप अपील करना चाहते हैं? मैं वार्ड की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जताया है वही आप जता के मुझे पार्षद बनाएं, जो आपकी समस्याएं होंगी वो अपन मिल के हल करेंगे मकानों की। ये मैं माननीय मंत्री जी तक बात पहुंचा दी है कि जहां, और उन्होंने का भी वर्णन ये है कि जो जैसी भी समस्या होगी वो हल होगी और मकान जिसके जहां हैं उन्हीं को मिले जाएंगे। नज़र आई जिस तरह से वार्ड की जनता ने साफ तौर पर अपना फैसला अभी से घोषित कर दिया, अपने वार्ड के अंदर आसिफ अकील को अपना पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस तरह जनता ने अपना फैसला अभी से सुना दिया है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या आसिफ अकील अपने वार्ड क्रमांक 40 के अंदर पार्षद के रूप में उभर के आएंगे, अगर आते हैं तो किस तरह जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे, ये देखने वाली बात हुई। कैमरा पर्सन परवेज खान भोपाल से KKR न्यूज़ के लिए आज़र खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।